कॉमर्स क्लासेस, मैं हूं तबिता। और गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग अपने अकाउंट्स का सैंपल पेपर देखेंगे कि क्या एग्जाम का हमारा पैटर्न रहने वाला है, कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। हमें ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है कि भाई हमारे एग्जाम में कौन सा चैप्टर कितनी वेटेज रखता है, ताकि हम अपनी तैयारी को उतनी ही मजबूती से कर सके, राइट। तो गाइज, आज के इस वीडियो में वही बताऊंगी कि कितने मार्क्स से कितने क्वेश्चन आएंगे, कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनमें कोई चॉइस नहीं दी गई है, सो आपको वो बहुत अच्छी तरीके से करने हैं। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं गाइज। आपको बुक की वेटेज तो पता है ना कि आपके पास तीन बुक्स हैं अकाउंट्स की, पार्टनरशिप, एनालिसिस एंड कंपनीज। पार्टनरशिप में आपका एक चैप्टर कट गया है, आपको पता होना चाहिए, सभी को पता है आज की डेट में, एनपीओ, राइट। आपकी इस बुक की वेटेज है 36 मार्क्स की। कंपनीज में अगर एनालिसिस की बात करें गाइस, तो एनालिसिस है 20 मार्क्स की, इसमें से भी कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज वाला पार्ट कट रखा है चैप्टर, राइट। और कैश फ्लो अकेला गाइस 8 मार्क्स कवर करता है, जबकि बाकी के बचे थ्योरी क्वेश्चंस, मतलब थ्योरी चैप्टर जो हमारा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 है, उसके बाद हमारा रेशियो है, सबको मिला के 12 मार्क्स बनते हैं। और कैश फ्लो अकेला 8 मार्क्स है, जिसमें कोई चॉइस हमारे सैम्पल पेपर में नहीं है, ठीक है। तो आपको कैश फ्लो बहुत अच्छी तरीके से करना है। थर्ड बुक है गाइस आपकी कंपनीज की। अब कंपनी में आपके सिर्फ दो ही चैप्टर हैं, दैट इज शेयर्स एंड प्लस डिबेंचर। कौन सा चैप्टर डिलीट हो रखा है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर डिलीटेड है। दो चैप्टर आपके 24 मार्क्स की वेटेज रखते हैं, यानी कि काफ़ी अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। और आपको मैं एक ओवरव्यू अगर बताऊँ तो गाइस, अगर आपने शेयर्स चैप्टर अच्छी तरीके से कर लिया, तो डिबेंचर चैप्टर को करने में मिनिमम, मतलब मैक्सिमम बोलूंगी मैं, एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं लगता। अगर आपका शेयर्स अच्छा हो रखा है तो डिबेंचर आप ऐसे कर लोगे। तो ये आपकी टोटल वेटेज है जो कि 80 मार्क्स की बनती है। अब हम बात करते हैं सैम्पल पेपर का पैटर्न क्या आने वाला है। तो गाइस, 20 क्वेश्चंस आपके 1 मार्क के, यानी कि एमसीक्यू बेस हो सकते हैं, स्टेटमेंट वाइज हो सकते हैं, सॉल्व करने वाले हो सकते हैं। 1 मार्क के क्वेश्चन आपके कितने आ रखे हैं? 20, ठीक है। तो आपको 1 मार्क के क्वेश्चंस की अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करनी है। तो उसकी तैयारी कैसे करनी है बेसिकली, तो 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए गाइस कंसेप्ट मजबूत होने चाहिए, जैसे गुडविल कैलकुलेशन हो गया, प्रॉफिट कैलकुलेशन हो गया, ये सब आनी चाहिए। 7 क्वेश्चन 1 मार्क के ऐसे होंगे जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, 7 क्वेश्चन ऐसे हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, 6 क्वेश्चन गाइस आपके 3 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 3 मार्क्स के आपके 6 क्वेश्चन आने वाले हैं, जिसकी टोटल वेटेज 18 हो गई। और इनमें 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे 3-3 मार्क्स के, जिसमें आपको चॉइस मिलेगी, ठीक है। जिसमें एक तो आपका डिबेंचर का ही हो जाता है 3-3 मार्क्स का, जिसमें चॉइस आती है। इसके बाद गाइस आपके 3 क्वेश्चन 4 मार्क के होने वाले हैं, टोटल वेटेज 12 बनी, और इसमें सिर्फ 4 मार्क वाले में सिर्फ एक क्वेश्चन में चॉइस आएगी, बाकी जो 4 मार्क के क्वेश्चन होंगे उनमें कोई चॉइस नहीं है। अब बात करते हैं गाइस, 5 क्वेश्चन आपके 6 मार्क्स के आएंगे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 30 मार्क्स कवर करते हैं, और इसमें सिर्फ 2 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें चॉइस आएगी। तो आपके जो 6 मार्क का क्वेश्चन है गाइस, जो टोटल 5 है, तो मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ गाइस, जो 5 आपके क्वेश्चन हैं उसमें आपका एक तो शेयर्स का क्वेश्चन रहने वाला है, और शेयर्स की चॉइस शेयर्स के साथ ही आती है। सेकेंड, आपका रिटायरमेंट प्लस एडमिशन के बीच में चॉइस आती है 6 मार्क्स के क्वेश्चन में, ठीक है। बाकी के 6 मार्क्स के क्वेश्चन में कोई चॉइस नहीं है, बट 6 मार्क्स से और कौन से क्वेश्चन रहने वाले हैं, तो पार्ट ए में से हमारे 6 मार्क्स का एक आपका आएगा डेथ से। तो ये बहुत अच्छी तरीके से, छोटा सा चैप्टर है, अच्छी तरीके से करना है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। सेकेंड आपका डिबेंचर है गाइस, ये भी अच्छी तरीके से करना है क्योंकि कोई चॉइस नहीं है। फिर आपका 6 मार्क्स का एक आएगा गाइस कैश फ्लो स्टेटमेंट, जिसमें भी कोई चॉइस हमारे सैम्पल पेपर में नहीं गिवन है। तो इस तरीके से गाइस आपके 5 क्वेश्चन किन किन चैप्टर से कवर हो रहे हैं, जो ज़्यादा वेटेज रखते हैं वो भी आपको अब पता चल चुका है, चॉइस किस में आने वाली है वो भी आपको पता चल चुका है। तो आपको अपनी तैयारी को उतनी ही ज़बरदस्त तरीके से करना है, ताकि अगर कोई सिंगल क्वेश्चन किसी चैप्टर से आता है, जैसे डेथ है, डिबेंचर्स है, कैश फ्लो है, तो आप उसे अटेम्प्ट कर सको। आपको ऐसा ना हो कि भाई हमें तो आता ही नहीं है ये वाला क्वेश्चन, तो चॉइस का कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो इन चैप्टर्स को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, आईडी है तबिता मेसी। थैंक यू।